गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरुण पाशा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के चैनल पर। जल्द से जल्द सही बच्चे जुड़ जाइए और हमेशा की तरह सबसे पहले ये बताएं कि आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्द से जल्द बताइए। और हमेशा की तरह हमारी जो टैगलाइन चलेगी कि जीवन में कोई भी जानने वाला, बाबू सोना, जादू टोना, धनिया पुदीना, दोस्त दुश्मन, देसी विदेशी, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह पे शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी करवा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है हमारा सिस्टम। तो आप तक आवाज आ ही रही होगी। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ये एक बैच है, बैच का नाम है रक्षक बैच, जिसमें अभी एट प्रेजेंट आप लोगों को 70% तक का ऑफ मिल रहा है। बस आपको करना क्या है कि जब आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पे जाके इसको परचेज करें तो आपको एग्जाम 70 वाला कोड लगाना है। जब आप ये वाला कोड लगाएंगे तो आपको 70% का ऑफ मिलेगा और आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा 599 रुपीज में। ये ऑफर भी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 31 जून तक है, इसके बाद नहीं होगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट दिस बैचेस? आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सके जो भी पढ़ाया है। मॉक टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे जिससे सेक्शन वाइज आप चीजों को कवर अप कर सके। ठीक है, और डाउट सॉल्यूशन, समय समय पर आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या वो आपका उत्तल है, अवतल है, बाइफोकल है या फिर यौगिक है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाइफोकल या फिर कंपाउंड लेंस। सबसे पहले तो आप लोग याद रखना कि जो बाइफोकल वाला लेंस क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे चश्मे होंगे लोगों के जिसमें नीचे कुछ स्पेशल ऐसा भाग भी हो रहा होगा, तो ये उनके लिए होता है जिनके पास की भी नजर खराब होती है और दूर की नजर भी खराब होती है। कि जब सामने देखेंगे तो यहां से देख लेंगे दूर का, और जब नीचे पढ़ रहे होंगे तो उनको पास का दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा बाइफोकल। हालांकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर बी होने वाला है, हालांकि कुछ बच्चे कॉन्वेक्स भी कह रहे हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका कॉनकेव लेंस, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, आपको यह बताना है कि ये जो बीमारी लिखी हुई है मायोपिया निकट दृष्टि दोष, इसमें पास का कैसा दिखता है, सही या गलत, बताओ। अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को बीमारी की कितनी नॉलेज है। पास का कैसा दिखता है, सही दिखता है या गलत दिखता है, बताइए। यहां से पढ़ लिया होगा ना, निकट दृष्टि दोष, यही बेवकूफ बनाता है। इसका नाम सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है, निकट दृष्टि दोष। ये उल्टा है अपने नाम का, इसमें आपको पास का बिल्कुल सही दिखाई देगा और दूर का आपको क्या दिखता है, आपका गलत दिखता है, दूर का धुंधला दिखता है। ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत है, जो बच्चे एकदम क्या हो जाते हैं, ठीक है, शब्द सुन के जो आंसर देते हैं, तो उसको आप लोग याद रखेंगे, पास का सही दिखेगा और दूर का धुंधला दिखेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के संरक्षण के मुद्दे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन था, टोरंटो सम्मेलन था, मॉन्ट्रियल था या फिर रियो सम्मेलन था? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। 16 सितंबर 1987 को इस पे साइन किया गया था, पर यह प्रभाव में कब से आया, एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है, किस सन में यह प्रभाव पे आया। यह समझौता आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था, किसके लिए हुआ था, ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन लेयर का क्षरण करने के लिए आपके सीएफसी जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह। बोल रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कुछ लोग सन भी बता रहे हैं 1987। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, चलो छोड़ो, एक से एक महारथी आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में। पहले से बोल देते हैं कि सर ये सुन लो कि जो मॉन्ट्रियल आप पूछोगे फिर कौन से देश में है, पहले ही सुन लो, कैनेडा में पड़ता है, कैनेडा में पड़ता है। इसके अलावा ओजोन की अगर बात की जाए तो ओजोन आपका मिलता कहां पर है, ओजोन मिलता है आपका समताप मंडल में, समताप मंडल में मिलता है 90% ओजोन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हो, यहीं पे मिलेगा आपका सबसे ज्यादा 90% जो ओजोन लेयर। ओजोन का काम क्या होता है, जो आपकी यूवी रेज आती है सूरज में से उसको रोकने में मदद करता है।
अगर यूवी रोज आपकी त्वचा पे आके पड़ जाए तो एक बीमारी होती है जिसे आप बोलते हैं त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। तो आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो मैंने बता दिए, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बच्चे लिख रहे हैं, वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। यहाँ पे एक बच्चे ने डॉप्सन लिख रखा है, ओजोन की मोटाई को नापने के लिए जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसे हम डॉप्सन कहते हैं। ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि डॉप्सन क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई मुझे बताएगा ये स्टॉकहोम सम्मेलन किस सन में हुआ था, स्टॉकहोम था किसके लिए? चलो मैं ही बता देता हूं, जो आपके स्थाई कार्बनिक प्रदूषण होते हैं ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसके ऊपर था ये स्थाई कार्बनिक प्रदूषक। मुझे बस ये बता दो स्टॉकहोम राजधानी कहां की है, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया एक बार लाइक का बटन दबा दो, मेहनत चल रही है इतनी भैया, क्वेश्चन छाटे जाते हैं, फिर कराए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, लाइक कर दो भैया अच्छा लगेगा, और शेयर कर दो कुछ ग्रुप में। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे 2.0 वाले, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मुझे पहले से जानते हो, प्लीज शेयर कर देना। चलो स्टॉकहोम का की राजधानी है स्वीडन की। नेक्स्ट फंसोगे यहाँ पे क्योंकि मोती मस्जिद आप लोगों ने दो पढ़ी होंगी। आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका संबंध किस मुगल शासक से है, औरंगजेब से, अकबर से, हुमायूं से है, या फिर आपके शाहजहां से, ये आप मुझे बताइए, बताए इसका आंसर। यहां पे मैं आपको तीन मोती मस्जिद पढ़ाऊंगा, एक आगरा की मोती मस्जिद आगरा किले में, एक दिल्ली की मोती मस्जिद, और एक आपके लाहौर के किले के अंदर मोती मस्जिद। बताओ उसका आंसर। लाहौर वाली मैं बता देता हूं कि लाहौर वाली जो मोती मस्जिद है वो जहांगीर ने बनवाई है। अब देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे शाहजहां है, सभी लोग डी जवाब दे रहे हैं, कोई औरंगजेब नहीं जवाब दिया। बिल्कुल सही आंसर कि जो आगरा की मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई है, वो बनवाई है आपके शाहजहां ने। दिल्ली की मोती मस्जिद की बात करोगे तो वो बनवाई है औरंगजेब ने, औरंगजेब ने बनवाई है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया, वो बीबी का मकबरा वर्तमान में कहां पर है, वो बीबी का मकबरा वर्तमान में कहां पर है बताइए। इसे ताजमहल का गंदा रूप भी कहते हैं, इसे डर्टी पिक्चर ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कह देते हैं, बताए। चलो सबका जवाब गलत आ रहा है, सबका जवाब गलत है जितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में औरंगाबाद लिखा है। एक आंसर मुझे यहां पे सही दिखाई दिया है जो बोल रहे हैं संभाजी नगर, क्योंकि औरंगाबाद का नाम बदल चुका है, अब औरंगाबाद का नाम बदल के हो चुका है संभाजी नगर। कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो वहां पे से हम कह सकते हैं वर्तमान में बीवी का मकबरा यहीं पे है। तो ये आपका आगरा वाली मोती मस्जिद वो बनवाई थी आपकी शाहजहां ने। नेक्स्ट ये आसान है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्या वो बंगाल है, क्या वो सिक्किम है, क्या वो उत्तराखंड है, या फिर वो असम है। आपसे नेपाल से पूछा गया है कि नेपाल से आपकी बाउंड्री बनाने वाले राज्य इनमें से कौन सा नहीं है। चलो क्या आंसर आ रहा है, अभी रागनी कह रही है उत्तराखंड, कुछ लोग असम बोल रहे हैं, अच्छा जी उत्तराखंड और असम में लड़ाई चल रही है, अच्छा जी। अभी क्या हो गया भैया, कौन है उत्तराखंड वाले, यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है क्या बेटा, यूनाइटेड किंगडम जाना है तो वैसे ही बता दो, नदी में फेंक दिया जाएगा, समुद्र में बहते बहते चले जाओगे। इसकी एक ट्रिक है सुब्बू, ठीक है सुब्बू है, बुग्गू नहीं है, वो मेरे बुग्गू है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। सिक्किम, यू से यूपी, इस यू से उत्तराखंड, इस बी से बिहार, ये है बंगाल, ये वाला जो है बी जो है बंगाल, और ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, और बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोगों को ये याद नहीं है ट्रिक, तो अगर आप ट्रिक के बिना याद किए हुए हो तो मैं हमेशा ऐसे बच्चों की तारीफ करूंगा जो ट्रिक के बिना याद करते हैं, क्योंकि जब पेपर आ रहा होता है ना और जब क्वेश्चन होता है सामने, सारी ट्रिक धरी की धरी रह जाती है, कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, बताए पेंच टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यहीं पे कान्हा है, यहीं पे पन्ना है, बांधवगढ़,
बताए इसका आंसर। इतने सारे तो बता दी दिए, इतनी सारी हिंट दे दी, अब तो बता ही दोगे। चलो एमपी बोल रहे हैं, सतपुड़ा भी यही है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहां है, मध्य प्रदेश में, 90% भाग मध्य प्रदेश में, इसका कुछ भाग आपका महाराष्ट्र में भी पड़ता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है, सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपको कौन से राज्य में मिलेगा, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, बताया इसका आंसर। हाँ जी, मोगली वाला क्वेश्चन यही था जो आप लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। हाँ जी, कूनो। चलो सतकोसिया का क्या आंसर आया है, बोल रहे हैं कि सतकोसिया वाला आपका पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, सतकोसिया वाला कहां पर है, उड़ीसा में है, बहुत बढ़िया। जब तुम इतना अच्छा आंसर दे रहे हो, अगला दे दोगे तो मान जाऊंगा। संजय दुबरी, संजय दुबरी कहां पर है ये बताइए, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो हम जाने आपको संजय दुबरी वाला कहां पर है। सतकोसिया उड़ीसा में है बेटा, बड़ा फेमस है, पेपर में आता भी है। सिमलीपाल भी यहीं पे है उड़ीसा में, सिमलीपाल, तो सिमलीपाल भी यहीं है। बोल रहे नहीं पता, बैंड बज गई। संजय डुबरी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, संजय डुबरी कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो बताएं, आपसे ये पूछा गया है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण यानी कि बर्ड सेंचुरी कहां है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, यहां पर एक नदी है जिसे हम दामोदर कहते हैं, इसको इस राज्य का शोक बोला जाता है। सबसे पहले आईआईटी में से एक अगर बोला जाए, आईआईटी खड़गपुर, वो भी आपका यहीं पर बनाया गया था, आईआईटी खड़गपुर। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भी यहीं होता है, सबसे ज्यादा चावल का, राइस का उत्पादन भी यहीं होता है, और यहां का काला जादू बड़ा मशहूर है। खोया प्यार पाए, मनचाही शादी करवाए, मनचाही नौकरी पाए, 10 घंटे के अंदर उचित इलाज, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुलिक पक्षी अभ्यारण आपका कहां पे मिलेगा, वो आपको बंगाल में मिलेगा, और ये मैंने आपको बता दिया है। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि ये बंगाल से ही रिलेटेड है, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, कि जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका कहां पे पड़ेगा। मुझे एग्जैक्ट जगह चाहिए, बंगाल नहीं चाहिए, देखे तो कौन इसका जगह एग्जैक्ट बता पाए। अंडमान निकोबार जवाब गलत है, अंडमान निकोबार में हिमालय कहां से आ जाएगा, द्वीप पे हिमालय ढूंढोगी, अंडमान निकोबार पे हिमालय है, क्या बात है भाई, मोहम्मद ऐसा, वेरी गुड भाई, मजा आ गया भाई, दिल जीत लिया। प्रवीण मिश्रा भाई एमबी दार्जिलिंग में है, और बंगाल में ही है ये जगह दार्जिलिंग, वही दार्जिलिंग जिसकी चाय बड़ी फेमस है, दार्जिलिंग टी आपने सुना होगा, बंगाल में है ये जगह। अगले पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन, उपाध्यक्ष इसके सदस्य हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया बेटा आपसे, उपराष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, ना तो लोकसभा और ना राज्यसभा, या फिर दोनों ही सदन के होते हैं। पहला जीआई टेक दार्जिलिंग चाय, बेहतर बताएं, वाइस प्रेसिडेंट इसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, ना तो लोकसभा राज्यसभा, और दोनों ही सदन के सदस्य होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी ए वाले हैं ना बेटा, लाइन से आ जाओ, और पहले वाले में एक पढ़े तो दूसरे में सब में पढ़ता हुआ चला जाए एक बार में, ठीक है। आपसे यह नहीं पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके सभापति हैं, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये चेयरमैन नहीं पूछे गए हैं आपसे कि किसके सभापति हैं, किसके चेयरमैन हैं। आपसे यह पूछा गया है कि राज्यसभा किसके, राष्ट्र उपराष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, चाहे आपका राष्ट्रपति हो गए या उपराष्ट्रपति हो गए, इनको लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता नहीं होती। अगर इनके पास सदस्यता है भी तो इनको अपना पद संभालने से पहले अपनी सदस्यता को छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होने वाला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्या आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, आर्टिकल तो मैंने लिख दिया, आर्टिकल 64, पर यहां पर से एक क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा जरूर। ऐसे दो उपराष्ट्रपतियों का नाम बताओ जो 2 साल
उपराष्ट्रपति रहे, उनका कार्यकाल दो बार रहा, पांच पांच साल का, बताओ उसका आंसर, जवाब दीजिए इसका। कौन से ऐसे दो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने दो बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो व्यक्ति रहे हैं, एक थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, और एक हो जाएंगे आपके हामिद अंसारी, हामिद अंसारी। तो ये ऐसे दो व्यक्ति जिन्होंने दो बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एकमात्र ऐसा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, क्या वो क्रेन है, क्या वो मलाइडस है, क्या वो वूपर हंस है, या फिर वो हमिंग बर्ड है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए इसका आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो आपका पीछे की तरफ जाएगा, पीछे भी उड़ सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, वरना ज्यादातर जो है वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही उड़ती है। सबसे छोटी चिड़िया भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड, सबसे बड़ी चिड़िया जो उड़ती नहीं है उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी चिड़िया जो उड़ नहीं सकती हवा में, उसे हम ऑस्ट्रिच बोलेंगे, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी चिड़िया जो उड़ सकती है उसका आंसर देंगे आप, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर, जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, बताइए इसका आंसर। सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है जो आपकी उड़ सकती है? मैना का याद रखना, मैना की एक खासियत है, ये कौए के घोंसले में जाके अपने अंडे दे आती है, ठीक है, अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, ये खुद के घोंसले में नहीं, कौए का जो घोंसला होता है उसी में जाके अंडे दे आएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत अच्छा आंसर दिया जितने लोग दे रहे हैं, एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस ये आपकी सबसे बड़ी चिड़िया है जो उड़ सकती है, एल्बाट्रॉस, इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, धौलावीरा का हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, पर इसमें से अभी खूब सारे क्वेश्चन और निकलेंगे, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। पहले तो यही बता दो, एक नदी पड़ती है लूनी नदी, वहां पर है ये, उसकी नदी के तट पे, वहीं पे आपको एक और स्थल मिलेगा इसी राज्य के अंदर, जिसे आप जानते हैं लोथल के नाम से, लोथल के नाम से, ये भी आपका कहां पे है? गुजरात में ही है, ठीक है। लोथल के अंदर से डबल बरियल के साक्ष्य मिले हैं, डबल बरियल का मतलब होता है एक ही कब्र के अंदर पुरुष और स्त्री के कंकाल मिले हैं जो एक दूसरे को हक कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। आज लोग अपने जीवन में साथ नहीं रह पाते, ठीक है, आए दिन कलेश और लड़ाइयां होती हैं, पर वो जो है वो भैया कब्र में भी आपको आज तक कंकाल मिले हैं जो एक दूसरे को हक कर रहे थे। एक क्वेश्चन का आंसर दें, आप लोगों को बताना है कि धौलावीरा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, धौलावीरा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ये तो सही आंसर हो जाएगा, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब एक और चीज, धौलावीरा की एक खासियत है, ये इकलौता सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी जगह है जो तीन भागों में बटी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर जगह जो है वो दो भागों में बटी होती थी, एक ऐसा आपका ऊंचाई पे बसा होता था और एक आपके मैदानी क्षेत्र में नीचे वाले भाग में, पर ये ऐसी इकलौती जगह है जो आपकी तीन भागों में बटी हुई है। आया किसी का आंसर कि आपकी ये धौलावीरा की खोज किसने करी थी? बोल रहे रक्कल दास बनर्जी, बिष्ट के द्वारा बोला जा रहा है। चलो अब तो आया किसी का आंसर, जेपी जोशी, जेपी जोशी ये है। अभी मैं पहले ही बोल रहा था क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर उसमें से जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलते हैं वहां बैंड बजती है तुम लोगों की। 1967-68 के आसपास इसे खोजा गया था, धौलावीरा को। अगला, दक्षिण भारत में किस राजवंश की राजधानी नहीं है? क्या वो चोल है, क्या वो चेर है, क्या वो पल्लव है, या फिर वो पाल है? हाँ, ऊंचे पे बड़े आदमी रहते थे। सौरभ शर्मा मेरी फोटो लगाए हुए हैं, कौन है सौरभ शर्मा? कह रहे हैं चेर, कोई चेर किसने बोला है? जितने भी चेर वाले हैं ना, चीर दिए जाओगे, ठीक है, हद है। मतलब ये सब आपके दक्षिण में है, चोल चेर पांड्या तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। सिर्फ एक पाल शासक थे जो आपके बंगाल वाले क्षेत्र में शासन करते थे, पाल शासक, गोपाल के द्वारा, गोपाल एक शासक थे उनके द्वारा इसे बनाया गया था। पाल शासकों की बात छिड़ी गई है तो मुझे ये बता दो, धर्मपाल क्यों फेमस रहे हैं इतिहास में? धर्मपाल क्यों फेमस रहे हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे, बताओ उसका आंसर। इतिहास में धर्मपाल क्यों फेमस रहे हैं,
देखे तो कौन आंसर देगा। चलो नालंदा, विक्रमशिला क्या करे, आत्महत्या कर ले। ये नालंदा वाला कौन है? विक्रमशिला, विक्रमशिला नालंदा बेटा कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा जो थी वो आपके गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की थी, उसके द्वारा बनाई गई थी। कुछ भी नाम कहीं पे घुसड़ देते हो, ठीक है। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला जो थे वो धर्मपाल, पाल शासक के द्वारा। नेक्स्ट, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या वो आपकी 298 होगी, क्या 299 है, क्या वो 300 है, या फिर वो 301 है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ज्यादा बेहतर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि जब संविधान सभा के द्वारा साइन किए गए थे, हस्ताक्षर संविधान पे अपनाया गया था, तब कितने सदस्य थे? तब तो संख्या हुई थी आपकी 284, 284, ठीक है। क्या आया आंसर? बोल रहे 299, कुछ लोग बोल रहे 289 है ही नहीं। सुबह सुबह बिल्कुल पता नहीं क्या पी के चले आते हैं कमेंट सेक्शन में, पता नहीं क्या जवाब देते हैं। सबसे पहले 389 लोग थे, सबसे पहले उसमें 296 लोग ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 लोग देसी रियासतों से। पर जैसे ही चुनाव होने वाले थे, देसी रियासतों ने अपने हाथ वापस खींच लिए, हालांकि बाद में जोड़ लिए गए। पर जब पार्टीशन हो रहा था तो पार्टीशन होते वक्त कितने लोग थे? 299। इस 299 में से आपके 229 लोग कहां पे से थे? ये आपके ब्रिटिश साम्राज्यों से थे, प्रांतों से। और जो आपके ये 70 लोग थे, ये आपके कहां पे से थे? देसी रियासतों पे से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 299, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 299। तो ये इसका बी वाला सही आंसर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। भैया वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम 60-70 तक तो पहुंचा दो लाइक, आसान है। सीडी रोम एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क है, या नन ऑफ दिस? हाँ जी, उसमें कुल मिला के 15 महिला थी। हो रहे हैं दीपाशा शो, क्या आंसर आ रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल है। चलो जी, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं बेटा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपकी एक प्रकार की क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया हुआ है, इसे गलत मत करना। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर के कार्य करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर, तो फिर कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप बताइए, क्या वो .NET है, क्या वो जावा है, क्या वो माया है, या फिर वो यूनिक्स है, ठीक है, बताइए। इसको थॉम्पसन के द्वारा बनाया गया था, थॉम्पसन, और कंपनी थी AT&T बेल लेबोरेटरीज। AT&T बेल लेबोरेटरीज के द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पे बेटा कुछ लोगों का आंसर आया है कि जावा इसका आंसर होगा। बेटा जावा तो भाषा होती, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती है वाली भाषा, तो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जो भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग, जावा वाली, इसको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका सही आंसर है, और ये आपका डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो ऑप्शन में फंसोगे, दो, और मुझे पता है कौन से है वो दो ऑप्शन, बताऊंगा नहीं, फिर पता चलेगा यहां पर। ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इजिली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बताए। पर जैसा कि मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी, यहां पे दो में फंसने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग इतने गए बीते हैं कि वो इन दो ऑप्शन से अलग हटकर भी फंस गए हैं, खासतौर से बी वाले जो है, सकल मत दिखा ले, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ए और डी में सोच रहा था फंसेगी यहाँ पे पब्लिक, कुछ ऐसे भी है जो बी वाले भी, सर हमें बी में फंसना है, हम क्यों फंसे ए और डी में, बिल्कुल ही सड़ी हुई जगह जाके फंसेंगे। देखो, ईईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकी की इलेक्ट्रिकल के माध्यम से आप डाटा को इरेज कर सकते हो और उसको फिर से आप वहां पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, विल बी द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो सुअरों से फैलती है? नीफा, स्वाइन फ्लू, जीका या फिर प्लेग? बताएं, नीफा, स्वाइन फ्लू, जीका या फिर प्लेग? इसका तो आंसर आप दे दोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको ऐसी दिक्कत होने वाली है। फर्स्ट और फोर्थ बेटा ऑप्शन सेम नहीं है, तभी तो बोला था आप फंसोगे। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, इलेक्ट्रिकली, कली, कली पता है ना, कलीर, कोई कली ही कह रही थी शायद, और रीड ऑफ लिखा है जबकि ये रीड ओनली है। बेटा मायोपिया तो तुम्हें नहीं हुआ है क्योंकि पास का सही दिख रहा है, तुम्हें पास का गलत दिख रहा है, तो यानी कि तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है कमेंट सेक्शन में बता दो, जिनको दूर का पास का भी गलत दिखता है। आया किसी का आंसर? ए और बी, ए और बी। बेटा जितने लोग कमेंट सेक्शन में नीफा दे रहे हैं ना, चमगादड़ उनके आके गले पे बैठ के उनका खून चूस ले, क्योंकि नीफा वायरस आपके चमगादड़ से फैलता है, बैट से, चमगादड़। ये जब फल को खा लेती है और उस फल को अगर कोई इंसान खा ले, सबसे पहले याद रखना ये नीफा वायरस का एक अभी केस भी आया था केरल में 1.5-2 साल पहले। स्वाइन फ्लू है, इसे H1N1 भी बोला जाता है, और स्वाइन का मतलब ही होता है सुअर, पिग, स्वाइन का मतलब ही ये होता है कि सुअर। जीका जो है वो आपके मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर, एडीज जो मच्छर की प्रजाति है उससे फैलता है। प्लेग ये एक बैक्टीरिया वाली बीमारी है और किससे फैलता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से ये वाली बीमारी फैलेगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि एडीज से और कौन सी बीमारी फैलती है, एडीज वाली जो आपकी मच्छर की प्रजाति है उससे आपकी और कौन सी बीमारी फैलेगी, बताओ। बर्ड फ्लू, H5N1, रेट, चूहा इसका एक वाहक होता है, इसका प्लेग का, और जो बैक्टीरिया है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। मलेरिया बोल रहा है कमल मौर्य, मलेरिया, मलेरिया लवेरिया हो गया है क्या, जो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। बेटा मलेरिया फैलता है एनोफिलीज से, एनोफिलीज प्रजाति, ये बस आ गई ना साइंस, आ गई तो मिर्गी आ रही होगी वहां पे, फड़फड़ा रहे होंगे साइंस देखते ही। एडीज से होता है आपका डेंगू, जिसमें आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो जब ये एडीज इजिप्टी वाली जो मच्छरिया है जो आके खून चूसती है, क्योंकि मच्छरिया है जो मादा है वो खून चूसती है, नर खून नहीं चूसते, वो थोड़े से अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप लोग याद रखेंगे। मलेरिया दिवस कब होता है? 25 अप्रैल। डेंगू दिवस आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, बताओ डेंगू दिवस कब होता है, देखो कौन इसका आंसर देगा। मस्त मूड है मेरा, अथर्व तिवारी, फर्स्ट क्लास, देख लो। परी कह रही है 16 माय डेंगू डे। बेटा मई की स्पेलिंग पता है क्या होती है, मई की ये होती है मई। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हें 16 मई को मेरा डेंगू हुआ था तो वो दिवस मैं मनाती हूं, ठीक है, हद है। अगले याद रखना, सुअरों से फैला जो स्वाइन फ्लू है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अज्जीकल बंदरगाह स्थित है, बताओ। महाराष्ट्र, केरल है, आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है? मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं, महाराष्ट्र में जो मिलता है उसे हम नावाशेवा बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोर्ड भी है नावाशेवा। आया किसी का आंसर? बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश, रवि प्रकाश केरल। आंध्र प्रदेश और केरल की लड़ाई चल रही है, जितने लोगों ने आंध्र प्रदेश जवाब दिया है। हाँ गजेंद्र सिंह, बेटा यही तो होता है यहाँ पे कि सर आप कभी दारू पिए हो, बेटा ये सब क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब बनता है? ऐसे लोगों का मन करता है उनको मार मार के उनके जो शरीर है वो दारू जैसा कर दो, नीचे से चौड़ा और ऊपर से बिल्कुल पिचका हुआ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके मतलब नहीं है कि मैं वो आंसर दे दूं, दारू पीते हो। देखो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश, जितने लोगों ने आंसर दिया है, इसका जवाब सुनने के बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह ने यह फैसला लिया है कि वो अब आत्महत्या करेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मिलता है विशाखापट्टनम, ठीक है। केरल वाला जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कि जो आपका अज्जीकल है वो केरल में मिलता है। थोड़ा सा मौका दे रहा हूं आप लोगों को अपनी गलती सुधारने का, उड़ीसा में जो आपका बंदरगाह मिलता है उसका नाम बता दो मेरे को, उड़ीसा में जो बंदरगाह मिलता है उसका नाम बता दीजिए मेरे को, क्या है, आसान है बता दोगे, बताएं। इडुक्की बांध भी है,
चलो बहुत बढ़िया, बोल रहे हैं पैरादीप पोर्ट, गुड गुड, ये अच्छा है। उड़ीसा में पैरादीप, मरमुगाव होता तो वो गोवा होता, मरमुगाव आसान है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? क्या वो कृष्णा है, क्या वो नर्मदा है, क्या वो महानदी है, या फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी? जरा बताइए। मैं बता देता हूं थोड़ा सा एक आइडिया कि महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है आपकी नासिक, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नासिक, और उसके पास ही एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर यहां पे से इस नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। इस नदी का क्या है, इस नदी का उद्गम स्थल है, बोल रहे महानदी नर्मदा। अरे बेटा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दूसरे नंबर पे, तो वो गोदावरी है ना, तो गोदावरी ही तो होगा इसका आंसर। और ये महाराष्ट्र में नासिक के पास एक जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर, वहां से ये नदी निकलती है। बस समझ में आ गई, गोदावरी, क्या इतना तो आसान है। और ये गोदावरी में ही आपका ये क्या है भैया, कौन सी जगह है वो मैं भूल गया, शायद नासिक ही है मेरे ख्याल से, जहां पे आपका कुंभ लगता है, नासिक जहां पे आपका क्या लगता है, कुंभ लगता है। कुंभ कौन कौन सी जगह पे निकलेगा, एक तो आपका उज्जैन पे लगता है कुंभ, उज्जैन छिपरा नदी पे, एक आपका लगता है कहां पे, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती, एक लगता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, और एक हो जाएगा आपका नासिक। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, 92 में, 85 में, 73 में या 72 में? एक बता देता हूं 73, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये बता दो। बाकी क्या, एक कोशिश कर ली मैंने आप लोगों को बताने की, बाकी तो बता ही दो। क्रोकोडाइल 1975, गैंडा, ये आप लोग बताओगे गैंडे के लिए, जितने लोग बेटा 1992 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट वल्चर, गिद्ध 2006, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, आया किसी का आंसर? मैंने पूछा है प्रोजेक्ट बताओ, प्रोजेक्ट गैंडा कब होगा, 2009 नहीं है, प्रोजेक्ट गैंडा बताइए आप कब होगा, बताए इसका आंसर। गलत, सबका गलत। विवेक यादव बोल रहे हैं प्रोजेक्ट गैंडा 2025, बहुत बढ़िया, 2025 आई तो है नहीं अभी, पहले ही गैंडा भविष्य में क्या होगा उसका प्रोजेक्ट बना लो। चलो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा सन रह गया है यहाँ पे, 2005, प्रोजेक्ट गैंडा हो जाएगा 2005, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, आगे क्या है, जब तुमसे ये नहीं बताया जा रहा तो अगला क्या बताओगे, प्रोजेक्ट डॉल्फिन बता दो, डॉल्फिन गंगा के डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कब शुरू हुआ था, याद रहे आपको पता है राष्ट्रीय जो जलीय पशु है वो डॉल्फिन ही है हमारा, 2009 के आसपास इसको घोषित किया गया था। ठीक है, लो कुछ पूछ रहा हूं कुछ आ रहा है, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम है, आरटीआई एक्ट, छोड़, मैं पूछ रहा हूं कि डॉल्फिन का संरक्षण के लिए कब आया था प्रोजेक्ट, वो बोल रहे हैं कि उसकी डॉल्फिन की घोषणा हुई थी 2009 में, 1986 है बेटा इसका, तुम लोग जो बता रहे हो वो घोषणा बता रहे हो जलीय पशु, इसके संरक्षण की फैसला लिया गया था 1986 में, हाँ जी 5 अक्टूबर 2009। अगले पे बढ़ते, अगर इस क्वेश्चन को भी कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने आप को व्यस्क कहलाओ। कौन से अधिनियम से आपका आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, ठीक है बताएं, कौन से अधिनियम से की गई थी 1989 में आपकी आयु 21 से घटाकर 18, किस संशोधन से, यहां थोड़ा सा उम्मीद रख ली है, 61 परी क्या रही है 71, नाबालिग हो या बच्चा बुद्धि है,
61st अमेंडमेंट जितने लोगों ने जवाब दिया, और याद रखेंगे इसको, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, एक बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छा, राजीव गांधी हुआ करते थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। जब भी संविधान संशोधन की बात आएगी तो संविधान संशोधन हम लोगों ने ये प्रक्रिया ली कहां से है, साउथ अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है, संविधान के भाग 20 में दिया गया है, ठीक है, किस में दिया गया है, भाग 20 में दिया गया है। और कुछ संविधान संशोधन हम हमेशा पढ़ते हैं, 100वें संविधान संशोधन से भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण हुआ था, 101 नंबर का संविधान संशोधन जीएसटी के लिए था, 102 नंबर का संविधान संशोधन आप बताओगे मुझे, 103 नंबर का संविधान संशोधन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो होते हैं उनको आरक्षण 10%, 104 नंबर के संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन की 2 सीटों को खत्म किया गया है। किसी का आंसर बोल रहे हैं कि 102 नंबर का संविधान संशोधन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दर्जा दिया गया है संविधान का, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, ये 70वां संशोधन से क्या हुआ था, क्या हुआ था 70वें संशोधन से, कुछ याद आ रहा है, शायद इनको भी आएगा याद, कुछ को ही याद आएगा, सबको तो आने सर। 70वां संविधान संशोधन क्यों फेमस है, अब अटक गया देखो कमेंट सेक्शन, ठीक है गुड। दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा इनको मिलेगी, और ये आने वाले समय में इनको वोट करने का भी हक राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है, वो लोदी है, सेन है, गुप्त है, या फिर प्रतिहार है। इस समय पर आपका हर फील्ड में कला, साहित्य, विज्ञान सब चीज में आपकी बहुत फेमस हुआ, जैसे कि इसी टाइम पे आपके कालिदास थे साहित्य के लिए, विज्ञान के एक बहुत बड़े महारथी जिनका नाम था वारा मेहर, वो भी इसी टाइम पे थे। एक और साइंटिस्ट का नाम ले सकते हैं आर्यभट्ट, वो भी इसी टाइम पे थे। और चिकित्सा की अगर बात की जाए तो यहीं पे थे धन्वंतरी। सर्जरी के जनक जिनको बोला जाता है सुश्रुत, जिनके बारे में एग्जैक्ट तो प्रूफ नहीं मिलता, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये सुश्रुत जो थे वो इस टाइम पे रहे करते थे, ठीक है, एग्जैक्ट तो प्रूफ नहीं है इसका, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, फिर पता चला कि सर कुछ होते हैं महारथी आते हैं कि सर ये एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है तो क्यों लिख दिया है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त वंश, तो गुप्त काल इसका सही आंसर है, ये सब गुप्त काल में थे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, चलो ये भी लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में चले, पर आप लोगों को बताना है कि सबसे पवित्र सोने के सिक्के, सबसे प्योर सोने के सिक्के किसने चलाए, बताइए कमेंट सेक्शन में। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला वंश का नाम बताएं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक शासक थे जिन्हें आप हिंद यवन शासक कहते हैं हिंदी में, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए, पर सबसे ज्यादा स्तर पर चलाए गुप्त काल ने, पर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे, बहुत बढ़िया, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो आपके कुषाण वंश के थे, किसके थे, कुषाण वंश के हुआ करते थे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो थे, बस बजा गई, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है, लो बता देता हूं जिससे होती है ये बीमारी, लीशमानिया, लीशमानिया डोनोवेनी, लो मैंने ये तक बता दिया कि किसकी वजह से होती है, लीशमानिया डोनोवेनी, इसे काला बुखार भी बोलते हैं, लो ब्लैक फीवर भी कहते हैं। अब तो दोगे आंसर, रेबीज प्रोटोजोआ से होती है, कुत्ता क्या कर रहा है, आत्महत्या कर ले कुत्ता जाके, आपका ये आंसर सुनने के बाद परी कुत्तों ने ये फैसला लिया है कि उनकी 10% आबादी अब आत्महत्या करेगी, ठीक है। रेबीज बेटा वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से नहीं होता है, बात समझ आ गई, रेबीज होता है वायरस से, चेचक जो होता है वो भी वायरस से, एड्स जो होता है वो भी वायरस से, एचआईवी,
काला हजार जो है वो आपका हो जाएगा लीशमानिया डोनोवेनी, जो कि एक प्रकार का आपका कह सकते हैं प्रोटोजो, ठीक है। काला हजार, इसे आप काला बुखार भी बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें। ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके शरीर का लीवर यकृत वाला जो भाग होता है और प्लीहा, उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। अब इसका नाम काला बुखार क्यों है, क्योंकि जब इंसान इससे ग्रसित हो जाता है तो आगे जाके उसके शरीर पे क्या होता है, काले काले अजीब सा धब्बे पड़ जाते हैं, उसके शरीर का रंग काला पड़ने लगता है, ठीक है। बात समझ आई, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है, आसान है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपसे यह पूछा जा रहा है, इन वालों को क्या बोला जाता है, ये जो रोज है ये वाली, इनको क्या बोला जाता है, तो क्या वो पीरियड्स है, क्या वो ग्रेडेशन है, क्या वो ग्रुप है, या फिर वो सब ग्रुप है। यहां भी गलत, उड़ती फिरूं मस्त पवन में, है ना बेटा। ये जो आपका ये वाले है ना, ये इनको बोला जाता है पीरियड, और ये वाले जो है ऐसे वाले, इनको बोला जाता है ग्रुप, पीरियड और ग्रुप। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, आपको बताना है कितने पीरियड है और कितने ग्रुप है, जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने पीरियड है और कितने ग्रुप है, बताए इसका आंसर। पीरियड और ग्रुप की संख्या बताएं, 7, 18, 187 लिखे हुए कमेंट सेक्शन में कुछ लोग, कि सर अपने आप देख लेना, छांट लेना, हमने तो आंसर लिख दिया है। चलो, पीरियडों की संख्या जो है वो 7 और ग्रुप की जो संख्या है वो है 18। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपको बताना है, 18वें ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, बताएं। पीरियडिक टेबल में जो ये बताए गए हैं, 18वां जो ग्रुप होता है सबसे आखिरी वाला, उसमें क्या होता है। लो भाई अब बताओ आंसर, तो जाने हम आपको इसका सही आंसर क्या है, क्या पूछा गया था आपसे, पूछे गए थे हॉरिजॉन्टल, तो फिर वो आपका पीरियड हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, अक्रियाशील गैस होती है जिनको नोबल गैस बोला जाता है, ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब हो जाएंगे। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका काम ये किया जाता है कि वस्तु चार्ज हो रही है या नहीं, ये किससे पता चलेगा, माइक्रोस्कोप से, जायरोस्कोप से, डेल्टोस्कोप से, या फिर आपके इलेक्ट्रोस्कोप से, ये पूछा गया, बताओ। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप, उससे पता चल जाएगा कि चार्ज है या नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं। बेटा गायरोस्कोप नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्कोप होगा, डी, ठीक है। परी तो आज मान के बैठी है कि मैं आज सारे ही आंसर गलत देने वाली हूं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जयंतिया हिल, गारो हिल्स, पूर्वी घाट, या फिर अरावली की पहाड़ियां। कौन नहीं जानता अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, गुरु शिखर, सबको पता है, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका तो, ठीक है। गारो और खासी और जो है आपके जयंतिया, ये सब आपके मेघालय में मिलते हैं। महेंद्रगिरी आपको बताना है कहां पर होगा, तो सभी लोग बता रहे हैं कि जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, ये भी आप लोग याद रखें। आप लोगों को बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आओ भाई जरा बताना। मैं उन लोगों का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आके लिखेंगे कि दक्षिण भारत की सर सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नीलगिरी है, और बस उनका फिर लगता है मार मार के उनको नीला कर दो, ठीक है। बताओ भाई, आइए दो दो बेटा वाले, आओ आओ दो दो बेटा वाले भी आओ, उनको भी नीला ही कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, तो अनाई मुड़ी, इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। दो दो बेटा, आसान है। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल आपके भाग 18 में है, 352 से लेकर 360 तक इसके आर्टिकल है। 352 में आपका रहता है कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं।
360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जैसे आप वित्तीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। बस समझ में आ गई, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? सभी लोग बोल रहे हैं कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब तीन बोल रहे हैं, तो तीन बार लगी है। कब कब लगी है तीन बार? एक आपकी लगी है 1962 से लेकर 1968, एक लगी 1971 से लेकर 1975, और एक लगी आपकी 1975 से लेकर 1977 तक, ठीक है। तो ये हो गई पहली, चाइना से लड़ाई हुई थी हमारी इसी समय पे, पड़ोस में एक देश पड़ता है जिसे आप भिखारी के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान, वो भी इससे लड़ाई हुई थी 71 से 75 में। फिर से भिखारी आ गया था हमारे सामने, हाथ फैला के उसको पीट दिया। आज इसके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तीन लड़ाइयों के बाद हमें सबक मिल गया है कि भारत से लड़ना बेकार था। सोचो कितनी बुरी हालत है। 75 से 77 में आपका क्या था? आंतरिक अशांति के आधार, आंतरिक अशांति, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, या फिर वो इब्राहिम लोदी हुआ करते थे? बताएं। 50% में तक दोआब क्षेत्र में इसने टैक्स भी वसूला था जब सूखा पड़ गया था। सांकेतक मुद्रा चलाई थी जो कि फेल हो गई, टोकन करेंसी। दिल्ली सल्तनत को उसकी एक उपाधि मिली गई है, बुद्धिमान मूर्ख राजा इसे बोला जाता है, बुद्धिमान मूर्ख, इंटेलिजेंट फूल कहते हैं इसे। सभी लोग बोल रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया, पर एक क्वेश्चन का आंसर दे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे मोरक्को देश से एक यात्री आया था, उसका आंसर दीजिए, नाम क्या है? मोरक्को देश से एक यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, उस व्यक्ति ने यहां पे आके एक किताब भी लिखी, किताब का नाम था रेहला, नाम बताओ उसका। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, वेरी गुड, इब्ने बतूता। तो वो जो आया था उसका नाम था इब्ने बतूता, बाद में इसे चाइना में राजदूत बना के भेज दिया था काजी की उपाधि देके। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? क्या वो नीला है, क्या वो लाल है, क्या वो हरा है, या फिर वो नारंगी है? टीवी की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, आरबीजी स्क्रीन इसको बोला जाता है, आरबीजी स्क्रीन। चलो सभी लोग आंसर दे रहे हैं ऑरेंज, वेरी गुड। सल्तनत काल का मोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ भी, कुछ भी मतलब, मार डालेंगे कमेंट सेक्शन में तुम्हें लोग। देखो भाई क्या इसका आंसर होने वाला है, आप लोगों ने आंसर तो बहुत अच्छा दिया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया, पर ऐसा करो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। ये ऑरेंज कलर का कोई रिलेशन रहता है क्या हवाई जहाज से, एरोप्लेन से कोई रिलेशन है इसका? बताओ भाई एरोप्लेन से क्या रिलेशन है इसका? अभी ये चर्चा में भी आया था क्योंकि अभी नेपाल में दुर्घटना हुई थी, ठीक है, प्लेन क्रैश हो गया जिसमें करीबन 70 के आसपास लोग मारे गए, 72 मेरे ख्याल से, और बड़ी दुखद घटना थी कि भारत के कुछ लड़के वीडियो भी बना रहे थे और अगले ही पल प्लेन क्रैश हो गया, हमको पता भी नहीं चला, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो जो एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है वो आपका ऑरेंज कलर का होता है। ये ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज होती है कि जब आपका एरोप्लेन गिरता है तो सबसे पहले इसी को कोशिश की जाती है मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हो रही होती है पायलट वगैरह की, जो आवाज रिकॉर्ड हो रही होती है वो सब इसकी इसमें रिकॉर्डेड रहती है, पता चल जाता है उससे, ठीक है। हाँ जी ब्लैक बॉक्स। अगला, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जैसे आप चाकू से काट सकते हो? जिंक है, लोहा है, सोडियम है, या फिर आपका तांबा है? एक पांचवा पॉइंट और जोड़ लो, मरकरी, मरकरी, पारा, बताओ भाई इसमें से कौन सी धातु है जैसे आप चाकू से काट सकते हो? ये पारा मैंने पता है क्यों लिखा है, अभी बताता हूं क्यों लिखा है। चलो कोई नहीं, फंसा, फंस जाता तो मैं उसकी बैंड बजा लेता, ठीक है। इसको हम सोडियम कहते हैं, Na, सोडियम। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हो, और पारा लिखने के पीछे ये रीजन था कि शायद कोई तो पारा में फंसेगा, ठीक है। पर पारा पहले ही याद रखना, आपके रूम टेम्परेचर पे ये आपके तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो आप लिक्विड को क्या काटोगे चाकू से, ठीक है। कोई नहीं मिला, मिलता तो उसकी बैंड बजा लेता मैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है?
बिल्कुल राक्षसों और लालचियों और भैंसों की तरह इस पर गिर मत जाना, पहले ये देख लेना कर्तव्य पूछा गया। 146, 147, 148 और 149 ये पहले का ही देखो यहाँ पे कुछ बिल्कुल दिखा और कूद पड़े, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ना पूरा, तो इसलिए ऐसे लोग 148 जवाब देंगे, तो बिल्कुल ही कूद के पड़े हैं। जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो थोड़ा अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। मोहम्मद तौसीम कह रहे हैं सर पानी पी लो, बेटा पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, पानी तो और बिल्कुल जा रहा है, गर्मी पड़ रही। कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका आर्टिकल है 148 इससे नियुक्ति होती है, पर इसके कर्तव्य 149 में दिए गए हैं ड्यूटी। सबसे पहले जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था नरहरि राव, वर्तमान में जो है उनका नाम है जीसी मुर्मू। इनकी नियुक्ति करना, इनको हटाना, इनका त्यागपत्र, ये सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पास है। कैग का कार्यकाल क्या होता है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आ जाए वो इनका कार्यकाल होता है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे से एक क्वेश्चन तो बनेगा, आप लोगों को बताना है कि कैग की रिपोर्ट की जांच करती है एक समिति, उस समिति का नाम बताओ। कैग के रिपोर्ट की जांच करने वाली समिति का नाम बताइए। संसद में एक समिति बनती है जो कैग के रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ती है, नाम बताओ उस समिति का। बोल रहे हैं लोक लेखा समिति, क्या बोल रहे हैं भैया, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी कहते हैं उसे, पब्लिक अकाउंट कमिटी बोलते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, इसमें कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। 15 कहां पे से आते हैं, लोकसभा में से आते हैं। 7 सदस्य कहां से आते हैं बेटा, राज्यसभा से आते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक मेरा हमेशा होमवर्क रहता है तो ये देख लो, धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत मैच है वो देख लेना, अच्छे से पढ़ के मुझे जवाब दे देना ऑफलाइन में। 2-4 बच्चे ही हैं जो ऑफलाइन में जवाब देते हैं, और जो ऑनलाइन में आए और ऑफलाइन में जवाब नहीं देते, मन करता है उनको परमानेंट ऑफ कर दिया जाए, उनका स्विच निकाल दिया जाए और वो ऑफ हो जाए। देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये क्वेश्चन, और उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना। और एक इंफॉर्मेशन जाते जाते उन बच्चों के लिए जो बाद में आए हैं कि हमारा गुरुकुल ऑफलाइन शुरू हो गया है बेटा नोएडा में, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विवेक सर। यूपीएसआई का बैच शुरू होगा 30 जनवरी को, यूपी पुलिस का 23 जनवरी को, और दिल्ली पुलिस का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 16 जनवरी को। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, 15 से 17 आपको किताब दी जाएंगी बाइलिंगुअल, रेगुलर डाउट सेशन जिससे आपके डाउट्स क्लियर रहे, स्पेशल सेशन फॉर वीक स्टूडेंट, मॉक टेस्ट दिया जाएगा ऑनलाइन बेसिस पे और वीकली टेस्ट भी होगा, ठीक है। अब इसकी भी ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी जानने वाला कर रहा है, फैमिली में दोस्त है या कोई भी है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको ये बैच रिकमेंड कर सकते हैं जिसको आज सिर्फ 599 में आप परचेज कर सकते हैं। बस एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पे जाके जब आप परचेज करें, ये एग्जाम 70 का कोड लगा लेना जिससे आपको 70% ऑफ मिले। ये जो आपका ऑफर है ये सिर्फ 31 जैन तक है, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।